तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब फाइंडर फॉर यू पे। आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग गूगल का जो पांडा एल्गोरिथम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने गूगल के एल्गोरिथम जो 8 टाइप्स के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं उनके बारे में बात की थी, और अगर जब आपने वो वीडियो मिस कर दिया है किसी भी रीज़न से तो आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, वो वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको वीडियो इसलिए देखना चाहिए कि वहाँ पे मैंने सारे जो 8 एल्गोरिदम्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स वगैरह बताई हुई हैं। वो डिटेल्स आपको जानना जरूरी है ताकि आगे जो आने वाली वीडियोस हैं, हर वीडियो रिलेट करता हुआ वीडियो होगा, एक दूसरे से रिलेट करता हुआ वीडियो होगा, क्योंकि जो गूगल मतलब एल्गोरिथम है वो कोर है। और मतलब कोर आप समझना है तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हर एल्गोरिथम एक एक मतलब दूसरे एल्गोरिथम से थोड़ा सा लिंक करता है, क्योंकि मेन गूगल का जो मोटो है वो अपना जो भी उनके सर्चर्स व्यूअर्स हैं जो क्वेरी सर्च करते हैं गूगल पे या यूट्यूब वगैरह पे, उनका ही प्रोडक्ट है, तो वो उसको सबसे रिलेवेंट और सबसे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो एल्गोरिदम वगैरह होते हैं। तो जो आज मतलब इम्पोर्टेंस एल्गोरिदम का यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर जो आपने एल्गोरिदम जान लिया तो गूगल का कोर वगैरह जान लिया कि गूगल किन किन फैक्टर्स पे, अगर जो आपकी वेबसाइट है या ब्लॉग है या आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेके गूगल आपकी वीडियो को, ब्लॉग को या वेबसाइट को ऊपर रैंक करता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में केवल गूगल पांडा के बारे में बात करूँगा, आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में मोबाइल एल्गोरिदम, फ्रीड एल्गोरिदम और रैंक ब्रेन एल्गोरिदम, हमिंग बर्ड, पिजन वगैरह सारे एल्गोरिदम्स के बारे में बात होगी आगे। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं आगे मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिना मतलब भूले बिना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए अभी बिल्कुल, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो गूगल का पांडा एल्गोरिदम था वो लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2011 को, और ये एज अ फिल्टर केवल लॉन्च हुआ था, मतलब ये कोई पहला मतलब कोर एल्गोरिदम का कोर नहीं था ये, लेकिन बाद में इसको 2016 में लोगों ने कंसीडर किया, गूगल वालों ने देखा कि इसको मतलब एल्गोरिदम का कोर होना चाहिए था, तो जनवरी आई थिंक 2016 में इसको मतलब गूगल का मेन कोर में शामिल कर लिया गया, इसे एल्गोरिदम्स में शामिल कर लिया गया। और ये जो मेन ये किस किन किन चीज़ों पे बेस्ड है गूगल का पांडा एल्गोरिदम, कीवर्ड स्टफिंग और आपकी कंटेंट रिलेवेंसी पे बेस्ड है, कि आपका कंटेंट कितना रिलेवेंट है, ये दो चीज़ों से आपका जज हो सकता है। अगर जो मान लिया आपकी ब्लॉग या वेबसाइट है तो आपके कंटेंट मतलब कीवर्ड वगैरह कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर रहे हैं, या मतलब कंटेंट आपका रिलेवेंट है या नहीं है। तो जैसा कि मान लिया इस समय कोरोना ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, मान लिया ट्रेंडिंग टॉपिक है तो कोरोना से रिलेटेड आपने कीवर्ड्स वगैरह डाले, टैग्स वगैरह डाले अपने ब्लॉग में, और फिर अगर जो मतलब आपका जो अगर जो कंटेंट देखा गया तो कंटेंट में मान लिया आपने केवल मतलब छोटा मोटा मतलब छोटा सा कंटेंट लिखा हुआ है, और उसमें ज़्यादातर आपने जो फोकस कीवर्ड आपका है मान लिया कोरोना अपडेट्स, तो वो ही आपने डाला, कोरोना अपडेट्स इन दिल्ली, कोरोना अपडेट्स इन मतलब झारखंड, कोरोना अपडेट्स इन राजस्थान, कोरोना अपडेट इन इटली, तो मतलब ज़्यादातर आपने कोरोना कोरोना अपडेट करके किया है, तो वो एक ब्लैक हैट टेक्निक है, मतलब हो सकता है कि आपका ब्लॉग ऊपर रैंक कर जाए लेकिन वो स्पैम है या मतलब वो अलाउड नहीं है। ऐसा सेम अप्लाई होता है यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या टाइटल सेक्शन में वो लोग ऐसा करते हैं कि जिस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर उनको अपनी वीडियो को रैंक कराना होता है वो डिस्क्रिप्शन में वो ही कीवर्ड भर देते हैं, बारह मतलब इतने ज़्यादा, जैसे कि उनको अगर जो कोरोना से रिलेटेड कोई वीडियो उनको अपडेट करनी है क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, वो चाहते हैं कि वीडियो पर रैंक करें, तो वो कोरोना अपडेट, कोरोना इन दिल्ली, कोरोना इन ये सब करके हुए पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भर देते हैं। तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप सही से कंटेंट लिखें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो वेबसाइट की मतलब ब्लॉग है वो रिलेवेंसी कैसे गूगल समझता है कि ये जो वेबसाइट है या इसमें कीवर्ड मतलब जो भी कंटेंट है वो रिलेवेंट है या नहीं है वो गूगल कैसे समझता है। मान लिया आपका मतलब रिलेवेंट कीवर्ड अगर जो मान लिया कोई यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने कोई आर्टिकल पढ़ा, तो यानी वो पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो टाइम मतलब गूगल मतलब काउंट कर लेता है कि कितने मिनट एक यूज़र ने आपकी वेबसाइट पे बिताए। मान लिया कोई यूज़र है उसने 4 मिनट बिताए तो गूगल को लगता है कि यूज़र आके यहाँ पे टिक रहा है, तो यानी कि इसमें कंटेंट अच्छा है, गूगल मतलब लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है,
तो मतलब आपका टाइम ऑफ स्टे जो है उसको देख के गूगल उस पर्टिकुलर ब्लॉग को या वेबसाइट को रैंक करेगा। सेम चीज़ आपकी यूट्यूब वीडियोस में है कि मान लिया आपकी जो वीडियोस है यूट्यूब की उसमें अगर जो वॉच टाइम वेबसाइट या ब्लॉग भी यही चीज़ को बोलेंगे स्टे टाइम, या आपका यूज़र कितनी देर रुक रहा है वहाँ पे आर्टिकल पढ़ने में। और यूट्यूब अगर वीडियोस के सेंस में देखा जाए तो ये चीज़ वॉच टाइम है कि मान लिया आपने थंबनेल वगैरह जो इंपॉर्टेंट है थंबनेल या डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह कुछ भी डाल के वीडियो को रैंक करा लिया, लेकिन अगर जो अंदर कंटेंट रिलेवेंट नहीं है, मान लिया थंबनेल आपका कोरोना से रिलेटेड है, अंदर आप कुछ और ही बता रहे हैं, मतलब कुछ भी बता रहे हैं, तो मतलब वो रिलेवेंट नहीं है, यूज़र आपका आएगा तुरंत मतलब एग्जिट कर जाएगा। वेबसाइट पे भी अगर जो कुछ अदर कंटेंट डाल रखा है तो एग्जिट कर जाएगा, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ जाएगा। तो गूगल बाउंस रेट से उधर जज करता है कि आपकी वीडियो में मतलब कंटेंट अच्छा है या नहीं है। और दूसरा इधर यूट्यूब पे वॉच टाइम आपका कंसीडर करेगा कि अगर जो आपकी वीडियोस को ज़्यादा वॉच टाइम मिल रहा है तो यूट्यूब वगैरह समझेंगे कि इस चीज़ को मतलब आगे सजेस्ट करना चाहिए, इसमें यूज़फुल कंटेंट है। यही चीज़ें हैं, अगर जो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो पांडा की स्ट्राइक आपको कभी नहीं मिलेगी। आप अगर जो ग्रो करना चाहते हैं ऑर्गेनिकली, थोड़ा टाइम भले लगेगा लेकिन जो भी आपका कंटेंट होगा वो हमेशा के लिए फ्रेश रहेगा, हमेशा उस पर ऑडियंस आती रहेगी और मतलब बढ़िया से ही रैंक करेगा। कोई भी स्पैम करके आप ग्रो करने की कोशिश ना करिएगा कभी भी, स्पैम में गूगल बहुत चालाक है, वो तुरंत पकड़ लेगा। भले आप ब्लैक हैट टेक्निक लगा के 1-2 महीने के लिए भले आप रैंक कर जाए, लेकिन जब गूगल उसको पकड़ लेगा उस चीज़ को, तो फिर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग या ये चैनल वगैरह की रैंकिंग इतना नीचे चली जाएगी कि फिर उसको उठाना दोबारा कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले से सतर्कता बनाए रखें, एहतियात बनाए रखें, और पहले से ही कोई मतलब फ्रॉड टेक्निक्स वगैरह ना करें, किसी भी झांसे में ना फंसे। अपना मेहनत लगेगी, मानता हूँ थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन आप कोई भी स्पैम करने की कोशिश ना करें, मैं यही चाहूँगा। पूरे एल्गोरिदम को फॉलो करें, सारे एल्गोरिदम्स के बारे में जान लें पहले, कि मतलब पहले से आप जानते होंगे तो आप मुझे पता है कि आप कोई भी स्पैम वगैरह नहीं करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद लगा आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में अगर जो क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।